दुनिया के हम सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की कर लेते हैं, कुंभ की बात कर रहे हैं। कुंभ मेले में कल रात दूसरी बार आग लग गई और कल्पवास एरिया के इस टेंट में पानी गर्म करने वाली रॉड में भीषण आग लगी और आग इतनी भीषण लगी कि पूरा पूरा टेंट जो है वो जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करी, मेहनत करी और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि कई दावे और भरोसे के बाद भी हर दिन आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं कुंभ मेले से। मेरे सहयोगी कुमार सोनू जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। कुमार सोनू, तमाम सुविधाओं के दावों के बीच भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ है, इतना बड़ा इतना विशाल मेला, उसमें हर दिन आग लगने की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? कहां कमी रह जा रही है? देखिए, 14 तारीख को दिगंबर अखाड़े में आग लगी थी और उसके बाद कंचन जो कल 13 सेक्टर में, जो क्योंकि पूरे कुंभ मेले को सेक्टर वाइज बांटा गया है तो 13 सेक्टर में ये आग लगी थी। एक टेंट में ही आग लगी थी और उसको तुरंत काबू पे पा लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, जबकि 1500 करोड़ जैसा भयंकर बजट कुंभ मेले के लिए रखा गया और महज जो बिजली की बात अगर हम करें तो 250 करोड़ के करीब उसके लिए बजट रखा गया है। तो पैसे की कहीं कमी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी दिख रही है, लोगों में जागरूकता की कमी दिख रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है वो जरूर सामने आ रही है। हालांकि सफाई देने के तौर पर जो अधिकारी हैं उनका ये कहना होता है कि पूरा अस्थायी बनाया जाता है और इस तरह की छोटी मोटी गड़बड़ियां सामने आ जाती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी जो गड़बड़ियां हैं, छोटी मोटी लापरवाहियां हैं कंचन, ये कहीं ना कहीं बड़ा भी रूप ले सकती हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात बरतनी चाहिए खासतौर पर, और मुझे लगता है कि शायद जिम्मेदारी प्रशासन की ही नहीं, वहां के तमाम उन लोगों की है जो उस वक्त कुंभ मेले का हिस्सा है, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर का अखाड़ा हो, उन तमाम लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि खासतौर पर टेंट में, खुले जो है बंद टेंट में किसी भी तरह से खाना ना पकाएं, लकड़ी ना जलाएं और अंगीठी का इस्तेमाल ना करें। हालांकि इन सब चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है, खुले में आप खाना बनाएं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है, चाहे साधु संत हो उनकी तरफ से, श्रद्धालु हो उनकी तरफ से, या फिर जो प्रशासन है उनकी तरफ से, तो लापरवाही खासतौर पर देखने को ही मिल रही है। जी, ये जो ताजा आग लगी है कुमार सोनू, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि समय रहते अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था, बड़ी खबर बन सकती थी अपने आप में। तो क्या वजह बताई जा रही है यहां पर? कमी कहां पर रह गई है कि जो नागा साधु वहां पर रह रहे हैं, जो लोग वहां पर आए हुए हैं, क्या उनकी तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है कहीं पर? देखिए, जो कल आग लगी है उसमें यह साफ हो पाया है कि अभी तक जो प्राथमिक जांच के हिसाब से कि शॉर्ट सर्किट उसका कारण था, लेकिन अभी जांच चल रही है किन कारणों से आग लगी ये पूरी तरह से साफ नहीं है। शुरुआती जांच में यही सामने निकल के आया, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जब बिजली जैसी व्यवस्था पर आपने 250 करोड़ रुपए खर्च दिए लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, कहीं ना कहीं चूक जरूर हो रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और शाही स्नान से पहले पूरा दिगंबर अखाड़ा जो है उसमें आग लग जाती है और वो आग बड़ी भी हो सकती थी, एक के बाद एक दो सिलेंडर ब्लास्ट हुए 14 तारीख को और उसके बाद अब कल इस तरह की घटना, क्योंकि अभी मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है जो कि शाही स्नान जो कि 15 जनवरी का था, उससे ज्यादा तादाद में तकरीबन 3 गुना लोग वहां पर पहुंचते हैं। अगर सरकारी आंकड़े माने तो जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से 1.5 करोड़ लोगों ने, श्रद्धालुओं ने उस दिन डुबकी लगाई 15 तारीख को, तो आप ये मान के चलिए कि 3 गुना के करीब जो है लोग वहां पर आते हैं, श्रद्धालु वहां पर आते हैं। अगर उस दौरान इस तरह की कोई हादसा होता है और भगदड़ मच जाए तो कहीं ना कहीं जान माल का ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2 साल पहले भी हमने इसी तरह की तस्वीर देखी थी जब प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जी बिल्कुल, कुमार सोनू बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। समय रहते हुए इस आग पर काबू पा लिया गया। अगर